नमस्कार, मैं टिकेश्वर और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। तो आइए जानते हैं आज कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। उससे पहले हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस जिले से हैं, जिससे कि आपके जिले की मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं आज कैसा रहेगा झारखंड का मौसम। झारखंड में लगातार 3 दिन बारिश, इन 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी। झारखंड में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। आने वाले दिनों में बारिश की वजह से लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ेगा। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार जताया गया है कि से प्रदेश के अलग अलग भाग में बारिश हो सकती है। इसमें गढ़वा से लेकर साहेबगंज तक और बिहार से सटे हुए इलाके शामिल हैं। वहीं गुमला, रामगढ़ और बोकारो में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजस्थान में बना साइक्लोन सर्कुलेशन अभी मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। इसके प्रभाव से झारखंड के ऊपर बादल की आवाजाही हो रही है। इसी वजह से मौसम में एक बार फिर से बदलाव हो गया है। वह मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई स्थानों पर बारिश होगी। इस दौरान गढ़वा, डाल्टनगंज, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, रांची, खुट्टी, रामगढ़, बोकारो, गुमला और हजारीबाग में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 24 और 25 जनवरी को उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भाग में हल्की बारिश होगी। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान झारखंड में सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा व धुंध देखी जा सकती है। वही झारखंड के कई हिस्सों में आज और कल बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। वही 25 और 26 जनवरी को कुहासा छाया रह सकता है। वही शीतलहर भी चल सकती है। वही मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक आसमान में बादल छाने के बाद रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इसके 2 दिन बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। बताया जा रहा है कि रांची समेत राज्य के प्रमुख शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। इससे सर्द हवा से होने वाली कपकपी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो इसी तरह झारखंड के खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड के खबरों का अपडेट मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।